पतंग उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए चाहिए आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, एक्सपीरियंस। जो फादर थे उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्हीं से हमारे अंदर में ये शौक़ आया और मेरे भांजियों में भी बहुत ही ज़्यादा ये शौक़ आज भी है। सो, पतंग उड़ाना एक कला है, जैसे मैंने बोला हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसमें कई तरह के पतंगबाज होते हैं, तो कुछ लोग खींच में लड़ाते हैं, कुछ लोग ढील में लड़ाते हैं, कुछ लोग करीब से लड़ाते हैं, कुछ लोग को शौक होता है कि बहुत लंबे पेच किए जाएं और ढील में लड़ाए जाएं। तो हर किसी का अपना अपना शौक रहता है। तो मैं अगर मेरी बात करें तो मैं जो पतंगबाजी करता हूँ वो लंबे पेच लेके करता हूँ, ढील में पसंद करता हूँ पेच लेना। तो मैं मेरे इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाऊँगा जो लॉन्ग पेच रहते हैं, बड़े पेच रहते हैं, वो किस तरह से लिए जाते हैं। लो, अरे कर दिया स्टार्ट। हाँ, कर दिया ना अभी। आप कैमरे के अंदर अंदर रखो। आई उड़ा ली हमने पतंग, तो सीधा पांडा से उड़ा रहा हूँ मैं पतंग, और आगे जाके फिर हम लोग सद्दा जोड़ देंगे इसको। बोलो, उंगली बीच आ गई यार, उंगली। कोई बात नहीं, एक थोड़ी देर ही आई थी ना। हाँ, थोड़ी देर ही आई थी। तो एक फायदा ये होता है कि डायरेक्टली आप इसे उड़ाओगे, ये एक बार ही हाथ से होते हुए निकल रहा है, मतलब कम कांच निकलेगा मांझे का, ये फायदा होता है। पेज है चला चला छचुंदर। ऊपर वाली पतंग है। हाँ, ऊपर वाली अभी ओए काजी सदा हमारे हाथ में। फिर है Thank you.
पतंग बिल्कुल चांद के करीब। वाओ सुपर, बहुत ही बढ़िया नजारा। वाओ थैंक्स टू हनान, हनान थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।